हाय, मेरा नाम राहुल देव शर्मा है। करीबन 4.5 साल पहले या उससे पहले 2016 मई में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे को राइट लेग में एक प्लेट पड़ी थी और उस समय मेरा घुटना भी डैमेज था, पर मैंने इलाज कराया था, ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, प्लेट्स पड़ी थी। और उस समय वो लोग, क्योंकि नी डैमेज ज़्यादा था, उस पर कुछ काम नहीं कर पाए थे और डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया इसमें कि आपको लेटर ऑन कभी भी नी रिप्लेसमेंट की जो अर्ली एज में ज़रूरत पड़ सकती है। उस समय वो उस स्थिति में नहीं था कि उस पर कुछ काम किया जा सकता, क्योंकि हड्डी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे। तो उस प्लेट के संग मैं 4.5 साल तक लाइफ काटी। पर जुलाई 1st week 2020 में मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई और घुटने में ज़्यादा दिक्कत आने लगी, चलने फिरने से मैं थोड़ा लाचार लगने लगा। तो फिर डॉक्टर साहब को, देवाशीष जी को, मैंने यहाँ कांटेक्ट किया सीके बिरला में, और वो उनसे मैं पहले भी टच में था उस सर्जरी के बाद, और मुझे काफ़ी उनसे मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आया था। तो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि अब कभी भी इस घुटने को या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हीं का सहयोग लूँगा। तो जब मैं इन्हें कॉन्टेक्ट किया तो इन्होंने फौरन मुझे सारी सहूलियत प्रदान करी, जिसमें मेरे लिए इंश्योरेंस का भी, मेडिकल इंश्योरेंस का भी अरेंजमेंट कराया। तो फिर मैंने, डॉक्टर साहब ने इंश्योरेंस भी अरेंज करवाया और मैं जो है, सर्जरी मेरी 27 जुलाई 2020 को हुई थी। 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद आज 6-7 महीने हो गए हैं। अब मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रहा हूँ और धीरे धीरे स्टिफनेस भी कम हो रही है और चलने में मेरा मूवमेंट अच्छा हो गया है और मैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक दोनों करता हूँ। और काफ़ी सहयोग मिला मुझे हॉस्पिटल से, जैसा मैंने बोला कि इंश्योरेंस का अरेंजमेंट, डॉक्टर साहब का पर्सनल अटैचमेंट, कभी भी उनकी अवेलेबिलिटी मुझे इशू नहीं रही। मैं इवन व्हाट्सएप पे भी अगर अपना कोई क्वेरी डालता हूँ तो विद इन ए मिनट आई गेट ए रिस्पॉन्स। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, घर बैठे भी मैं अपने को संतुष्ट कर पाता हूँ। और जब भी मेरे को विजिट की ज़रूरत होती है या डॉक्टर साहब जैसा गाइड करते हैं उस हिसाब से मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है, चाहे वो सर्जरी के दौरान रहा हो या पोस्ट सर्जरी रहा हो। यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ, टेक्निकल मैन और जितने भी यहाँ के सपोर्टिव स्टाफ हैं, मुझे उनसे काफ़ी सहयोग मिला है। टाइम टू टाइम कभी कोई मुझे इशू नहीं आया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को, वैसे तो ऐसी स्थिति हॉस्पिटल आने की ना आए किसी के संग, पर अगर जरूरत पड़ता है तो सीके बिरला इज ए बेटर प्लेस टू विजिट। थैंक्स अ लॉट।